नमस्कार और स्वागत है आपका रेसिपी फ्रॉम इंडियन किचन में। आज हम लोग बनाएंगे बनारस की फेमस आलू टिक्की चाट। तो आलू टिक्की चाट जो बनारस की होती है वो स्टफ्ड होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो तरीके के आलू लिए हैं। ये स्टफिंग के लिए आलू हैं, ये ठंडे हो चुके हैं उबाल करके, और ये आलू उबाले हैं मैंने अभी तुरंत, और अभी इनमें से भाप निकल रही है, ये अभी गर्म है। तो जो बाहर की कवर है उसमें हमें कोई नमक या कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। तो अब हम इसे गर्म में ही कद्दूकस कर लेंगे। ठंडा होने पे ये बहुत चिपचिपा हो जाता है और ठीक से कद्दूकस नहीं होगा और ना ही अच्छे से गुथ पाएगा, इसीलिए हमें बाहर की फिलिंग का प्रोसेस गर्म में ही कर लेना है। कोई साबुत टुकड़ा हमें नहीं छोड़ना है, सभी को अच्छे से कद्दूकस करके ले लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से पूरे आलू कद्दूकस कर लिया है। अब हमें इन्हें हल्के हाथों से इसे गूंथना है जैसे हम आटा गूंथते हैं, देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर इसे गूंथ सकते हैं, पर ये हल्का गर्म पे बड़ी इजीली गूंथ जाता है। और गूंथ करके हमें इसे एक साइड में करके तैयार कर लेना है। बाहर की कवर हमें अपनी टिक्की की इसी से बनानी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने गूंथ करके इसे रेडी किया है। ये अब इसी में हमें अपनी स्टफिंग तैयार करके इस बाहर प्लेन आलू के कवर में भरनी है। तो उसके लिए हमें स्टफिंग बहुत ही तीखा मसालेदार बनाना होगा। तो ये चलते हैं अब हम अपनी स्टफिंग बनाने। तो मैंने इस आलू को साइड में रख दिया है। अब स्टफिंग बनाने के लिए जो मैंने ये आलू लिया है, ये उबले आलू हैं। आप इन्हें या तो मैश कर लीजिए या इसे भी कद्दूकस कर सकती हैं। और इसी का स्टफिंग के लिए मैंने, चूंकि ठंडी का मौसम है, हरा मसाला तैयार किया है। आप इसके लिए बिना हरी धनिया के भी मसाला रेडी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ थोड़ी सी हरी धनिया ले ली है मिक्सी के जार में। ये देखिए धुली हुई धनिया है, साथ में 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, 4 से 5 हरी मिर्ची, बहुत तीखी मिर्च है इसलिए मैंने 4 ही 5 ली है। और ये देखिए ये गरम मसाले का पाउडर है। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल करके फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। और साथ ही में स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ आधी कटोरी हरी ताज़ी हरी मटर का इस्तेमाल किया है, जो कि हम अपनी स्टफिंग में डालेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए तेल पैन में गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और अपना गरम मसाला हरी धनिया, लहसुन और मिर्च का जो पीस करके हमने मसाला तैयार किया है हरा, वो इसमें डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से इसे धीमी आंच पर रख देंगे। साथ में हम इसमें अपना हरा मटर जो है वो भी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन लगाकर हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला भून करके सूख जाए और मटर अच्छे से पक जाए। 5 मिनट बाद आप ये देखिए मसाला भी भून गया, मटर भी पक गए हैं और ये देखिए ये बिल्कुल सूख गया हमारा हरा मसाला। अब हम इसमें अपना जो मैंने कद्दूकस करके आलू रखा था ये डाल देंगे। साथ में हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप अपने अनुसार इस टिक्की की स्टफिंग को तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए नमक डाल करके हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और एक जैसा कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही चटपटा हरे मसाले से तैयार किया हुआ आलू टिक्की चाट का स्टफिंग रेडी है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हम कर लेंगे और ये चटपटा तीखा चटपटा हमारा मिश्रण रेडी है, जो कि हमारी टिक्की के अंदर जाएगा। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इससे स्टफ करेंगे आलू की कवर में। ये देखिए सादा आलू जो हम लोगों ने कद्दूकस करके रखा था उसे इस तरीके से हम चिपटा करेंगे, उसके अंदर बीचों बीच ये अपनी स्टफिंग रखेंगे और किनारों को इस तरीके से सील करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए कहीं से फटा हो, आलू है बहुत सॉफ्ट होता है, बड़ी इजीली आप दबा करके इसे सील कर सकते हैं। हरा मसाला बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है।
और इसे हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से हम गोल करके, आप जिस भी शेप में चाहें, आप इसे बॉल के शेप में रखना चाहें वैसे भी रख सकते हैं, चिपटा आकार देना चाहें तो। देखिए मैंने यहाँ टिक्की के शेप में चिपटा आकार दे दिया है। चूँकि बाहर की कवर सिर्फ आलू की है इसलिए हम इसे हल्का सा कॉर्नस्टार्च से डस्ट कर लेंगे इस तरीके से। फिर सारे कॉर्नस्टार्च को देखिए यूँ मैं झाड़ करके अलग कर दूंगी। इससे आपकी आलू की टिक्की ना फटेगी। एक बार सभी टिक्कियों को तैयार करने के बाद हम एकदम अच्छे से गरम सरसों के तेल में मैंने इन टिक्कियों को डाला है। आप चाहें तो इसे घी में भी डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी पैन में कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम डालेंगे और ये देखिए हल्का सा जब आप डालेंगे तो कॉर्न स्टार्च किनारों से थोड़ा थोड़ा छूटेगा, लेकिन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी फटेगा नहीं। ये देखिए क्रिस्पी कुरकुरी टिक्की तल करके इस तरीके से रेडी हो जाए। अब एक बार टिक्की रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी दिखेगी। ये देखिए इस तरीके से अंदर से स्टफ़ की हुई बहुत ही टेस्टी टिक्की रेडी है। इसे इस तरीके से हम प्लेट में दबाएंगे। प्लेटिंग आप अपनी चॉइस के इंग्रेडिएंट से चाहे जैसे कर सकते हैं, लेकिन जो टिपिकल चाट वाले प्लेटिंग करते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ कि वो डालते क्या क्या हैं। सबसे टॉप लेयर एक प्लेन छोले की डलती है, सूखे मटर को आप नमक और अजवाइन डालकर बॉईल कर लीजिए इस तरीके से, और सबसे ऊपर ये डलेगी। उसके बाद खट्टी मीठे इमली की चटनी डलेगी इस तरीके से, इसे सौंठ भी कहते हैं, आप ये डालिए। उसके बाद बिल्कुल तीखी मिर्ची की चटनी है, ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है, ये इसमें सिर्फ मिर्ची और थोड़ी सी धनिया होती है। इसके ऊपर हम डालेंगे टमाटर की चटनी है, ये टमाटर की मीठी चटनी है, ये डलती है इस तरीके से। और एकदम ऊपर आप इसे पापड़ी से टॉप करिए, साथ में कद्दूकस की हुई मूली को डालिए इस तरीके से, और आपका आलू टिक्की चाट रेडी है। आप गोलगप्पे को भी इस पे क्रश करके डाल सकते हैं या कोई पापड़ी डालिए। तो रेडी है।